ये है जूस की तरफ से जैमस्पोर्ट X1 एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। इसमें इस्तेमाल किया गया है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का और इसका प्राइस एंड फुल फीचर्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हे गाइस, आई एम अरफात एंड वेलकम टू वेबटेक। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स जो आया है जूस की तरफ से और इसका जो मॉडल है जैमस्पोर्ट X1। तो ये चाइना से मेरे पास आया है रिव्यू के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसको रिव्यू करने वाले हैं, इसे अनबॉक्स करने वाले हैं, बताएंगे इसका प्राइस और क्या है इसका फुल स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। तो चलिए फटाफट से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो प्लास्टिक को मैंने हटा दिया, अब यहाँ से पॉप अप करते हैं और ये देख सकते हैं रेड कलर का निकल के आया। तो उससे पहले हम अब एक बार इसका हाइलाइटिंग फीचर्स यहाँ पर देख लीजिए। बॉक्स के अंदर हमें जूस से स्मार्टफोन ईयरबड्स मिलने वाला है, चार्जिंग केस मिल रहा है, टाइप सी ईयरबड्स भी मिलने वाला है, 3 सेट्स ऑफ सिलिकॉन ईयर जेल्स भी मिलने वाला है यहाँ पर और वेट वगैरह यहाँ पर दिया गया है। तो हम तो फिजिकली देखेंगे। तो ये है बॉक्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है। तो क्विक स्टार्ट गाइड के अंदर हमें यहाँ पर कुछ फीचर्स का मेंशन किया गया है, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारे कुछ दिया गया है। इसे हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर के मुझे ये ईयरबड्स मिलता है। तो हम इसे सबसे पहले निकलते हैं। एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगा, यहाँ पर जो इसका पैकिंग मटेरियल है ये काफ़ी अच्छा है, मतलब पैकेजिंग क्वालिटी है काफ़ी अच्छे, कोई भी तरह से प्रोडक्ट को नुकसान ना हो ये पूरी तरह से ख्याल किया गया है। तो ये था और यहाँ पर कुछ आइटम यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं निकल के। तो सबसे पहले यहाँ पर एक USB डेटा केबिन मिलता है जिसे चार्ज करने के लिए। यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्लगइन कैप्स मिलते हैं, अगर आपको कानों में फिट नहीं होता है वो जो डिफ़ॉल्ट है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इन सबको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूस का ब्रांडिंग है, तो सबसे पहले हम इसे पील ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पर इसका क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम सा क्वालिटी लगता है हाथ में पकड़ने से ही। यहाँ पर जो बॉडी है इसका प्लास्टिक का है और बॉटम की तरफ यहाँ पर आपको जैमस्पोर्ट दिया गया है, डिज़ाइन बाय जूस ग्रुप कैलिफोर्निया US। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं LED नोटिफिकेशन शायद है, हम देखेंगे। और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इसे हम सबसे पहले यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन करते हैं और जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट लुक देता है। और यहाँ पर आपको LED नोटिफिकेशन मिलता है, मतलब कितने परसेंट चार्ज आपके ईयरबड्स में है, चार्जिंग केस में कितना चार्ज है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं एक बार कुछ इस तरह से। आप जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको राइट और लेफ्ट का मार्क किया गया है, यानी ये आपको राइट ईयर में पहनना है और ये आपको लेफ्ट ईयर में पहनना है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर जूस का ब्रांडिंग दिया गया है। और यहाँ पर आपको माइक भी मिलता है, दोनों ईयरबड्स में डेडिकेटेड माइक मिलते हैं, मतलब आपको वॉइस कॉल अगर करते हैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे वहाँ पर फीडबैक आपको मिलने वाला है, वो भी हम आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंपली राइट वाले में जैसे आप डालेंगे यहाँ पर एक मैग्नेटिक केस मिलते हैं, आपको बस यहाँ पर ला के छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी, गिरने वाला भी है नहीं। और अब जैसे एक्सेस ऐसे बाहर निकालेंगे ऑन हो जाएगा और जैसे आपका यूसेज खत्म हो जाएगा आप सिंपली आपको उसे छोड़ देना है और इसे ऐसे रख देना है, ये चार्ज भी हो जाएगा और आपका कैरिंग केस भी हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए हम बात करते हैं इसका साउंड क्वालिटी का। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेस मिलने वाला है जो शायद आप लोगों को मेरे तरफ पसंद है एक्स्ट्रा बेस, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेस भी मिलने वाला है। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको IP66 वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन मिलते हैं, मतलब ये अगर आपको बारिश में पहन के जा रही है या फिर आप में गिर भी जाता है तो ये ख़राब होने में से नहीं है। यहाँ पर बाई चांस ख़राब भी हो जाता है तो यहाँ पर आपको 1 साल का वारंटी मिलता है कंपनी की तरफ से आपको 1 साल, तो ये काफ़ी अच्छा ईयरबड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम इसको अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। ब्लूटूथ से कनेक्ट करना बहुत ईजी, सिंपली आपका ब्लूटूथ ऑन कर लेना है और इसे आपको बाहर निकलना है। फर्स्ट टाइम आपको कनेक्ट करने के लिए इसे आपको ईयरबड के साथ पेयरिंग मोड में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैमस्पोर्ट X1 आ गया, सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेयरिंग मोड में चला गया और ये कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर कॉल्स एंड मीडिया और यहाँ पर जो खासियत है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैटरी भी देखने को मिलता है, मतलब अभी 90% इस ईयरबड्स में बैटरी है।
तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन एरिया में भी आप देख सकते हैं ब्लूटूथ के पास एक बैटरी का साइन मिलता है, मतलब कितना परसेंटेज आपके ईयरबड्स में है वो भी आप यहाँ से बहुत आसानी से नोटिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूक्स का जो जैमस्पॉट X1 ईयरबड्स है यहाँ पर कुछ कमाल का फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपको बटन देखने को नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर आपको टच सेंसिटिव बटन मिलता है। ये जो आप देख सकते हैं जूक्स का ब्रांडिंग है, यहाँ पर आपको सिंपली अगर आप सिंगल टैप करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर सिंगल टैप करता हूँ तो यहाँ पर म्यूज़िक प्ले पॉज हो जाएगा, और अगर हम सिंगल टैप करते हैं यहाँ पर म्यूज़िक फिर से पॉज हो जाएगा। आप यहाँ पे डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर म्यूज़िक चेंज हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड में अगर आप डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर आपका म्यूज़िक चेंज हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में अगर आप डबल टैप करते हैं तो म्यूज़िक आपका प्रीवियस वाला प्ले हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं म्यूज़िक प्रीवियस वाला प्ले हो गया। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा फीचर्स मिलता है, और यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट और iOS का सीरी का सपोर्ट भी मिलता है। सिंपली उसके आपको एक्टिवेशन करने के लिए आपको ये जो टच है इसे आप 3 times प्रेस करना है, 1, 2, 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो गूगल, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों और एक अच्छा फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है म्यूज़िक प्लेयर के अंदर, तो राइट साइड वाले जो ईयरबड्स है यहाँ पर आपको थोड़ा टच एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पर जो साउंड है वो आपको यहाँ पर इंक्रीज होगा, और लेफ्ट साइड में अगर आप इसे प्रेस एंड होल्ड करते हैं उसी तरह इसका साउंड आपको कम होने को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप राइट वाला जो है इसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको साउंड इंक्रीज होने लगेगा, और लेफ्ट साइड में आपको साउंड डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इसका बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर जो चार्जिंग केस है इसे चार्ज करने के लिए 2 घंटे से 2.5 घंटे टाइम लगते हैं, और इसे आप एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये जो ईयरबड्स है इसे आप 4 से 5 बार चार्ज कर सकते हो, और एक सिंगल चार्ज में ये 4 घंटे से 4 घंटे तक चलने वाला है। मतलब इसको एक बार आप फुल चार्ज कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ईयरबड्स है इसे आप 1 दिन तक यूज़ कर पाएंगे। मतलब आपके बॉक्स है ये काफ़ी ईजी टू कैरी है, मतलब ये आपके पॉकेट में बहुत ही आसानी से इंसर्ट हो जाता है, मतलब इसे कैरी करने के लिए कोई झंझट नहीं है, और यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। मतलब अगर हम इस ईयरबड्स का यूसेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर उनमें कोई कॉल्स आता है तो सिंपली आप इस सिंगल टैप में रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं मेरे फ़ोन में कॉल्स आए, तो एक सिंगल टैप अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये फ़ोन रिसीव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉल रिसीव हो गया, आप बहुत ही आसानी से आप इससे बात कर सकते हैं, चाहे आप कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छे से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सिंगल टैप करेंगे और ये फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब फ़ोन को पॉकेट से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो काफ़ी दोस्तों ये जो ईयरबड्स है इसे आप सिंपली पबजी खेलते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग गेमिंग टाइम। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वायर नहीं है, एक वायरलेस है, और जब भी हम पबजी प्ले करते हैं खास करके हमारे मोबाइल पर, यहाँ पर 3.5mm का हेडफोन पोर्ट लगाने के बाद हमें बहुत ही दिक्कतें आती हैं हम फायरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप पबजी ये लगा के प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा चिकन डिनर मिलने वाला है। ये जो ईयरबड्स आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग से किया गया है, मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ये पहन के तो आपके कानों से ये गिरने वाला है नहीं। ये आप लैपटॉप पे लगा के भी यूसेज कर सकते हैं ड्यूरिंग एडिटिंग टाइम और गेमिंग टाइम, या फिर म्यूजिक गाना कुछ भी सुन सकते हैं जो आपकी मर्जी है। तो ईयरबड्स है ये आपस में दोनों ही कनेक्ट हो जाते हैं सिंपली, और इसे आप जिस फोन के साथ एक बार पेयरिंग कर लेते हैं तो दूसरे टाइम यहाँ पर आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली अगर इसे आप बॉक्स के अंदर छोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से और ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये डिस्कनेक्ट हो गया, और जैसे आप इसे बाहर निकलेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया, ये ब्लूटूथ वर्सन 5.0 का खास फीचर्स यहाँ पर है। और दोस्तों अगर आप इसका डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये तकरीबन यानी 33 फीट डिस्टेंस से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपका फ़ोन टेबल या फिर भी रख के आप अपना रूम में काम वगैरह करते करते गाना सुन सकते हैं। ये था इसका ओवरऑल फीचर्स, एंड अगर हम बात करते हैं इसका प्राइस का तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट का, तो वहाँ पर आप इसे जाके परचेस कर सकते हैं। ये 28 मई को ये लॉन्च होने वाला है, मतलब उस दिन से आप इसे परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस होने वाला है लगभग $49, और अगर आप इंडिया से परचेस करने वाले हैं तो अलग से $3 शिपिंग के लिए देना पड़ेगा। तो इसमें अगर जानना चाहते हैं तो जरूर से आप सबने जो लिंक है वो क्लिक करके एक बार देख लीजिए, आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर तक अभी तक नहीं किए तो। और दोस्तों आप कमेंट करके बताओ ये जो ईयरबड्स है आपको कैसे लगा। दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन बाय।